मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावत में जिला न्यायाधीश द्वारा जिला न्यायालय मंडलेश्वर में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। जरूरतमंद व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना ही लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। 14 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश मंडलेश्वर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर न्यायाधीश अधिकारी अधिवक्ता और पक्षकार मौजूद रहे। श्री बी आर पाटिल द्वारा बताया गया कि जरूरतमंद एवं निर्धन वर्ग तक लाभ पहुंचाना ही लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। सभी को इसी उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। न्यायाधीश महोदय द्वारा लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु उपेक्षित सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश मंडलेश्वर श्री बी आर पाटिल के साथ मंडलेश्वर में पदस्थ विशेष न्यायाधीश साधना महेश्वरी, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक प्राधिकरण श्री भारत सिंह रावत, एडीजे आरती वर्मा, एडीजे प्रवीण हजारे, एडीजे अरुण कुमार खरादी, न्यायाधीश हिमांशु शर्मा, न्यायाधीश शिवानी सैनी, न्यायाधीश आयुषी शर्मा सहित सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उक्त शुभारंभ के बाद जिला न्यायाधीश बी आर पाटिल द्वारा समस्त न्यायाधीश एवं अधिवक्ता अधिकारियों के साथ नेशनल लोक अदालत में प्रकरण निराकरण हेतु बनाए गए विभिन्न विभागों के काउंटर एवं न्यायालय का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। लोक अदालत जो है इस क्षेत्र के जितने गरीब पीड़ित पक्षकार जो है, जिनके चाहे संपत्ति संबंधी मामले हों, चाहे व्यक्तिगत मामले हों जिसमें भरण पोषण के मामले आते हैं या जो आपराधिक मामले आते हैं, उनको निपटाने के लिए मीडिएशन के माध्यम से और लोक अदालत के माध्यम से एक सकारात्मक प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। और इस प्रयास में हमारे सारे न्यायाधीश इसमें शामिल हैं और साथ में हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और एडवोकेट्स भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने अथक मेहनत करके और प्रकरणों को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी तक सबसे ज़्यादा मामले कैसे आ रहे हैं, क्या लगता है कि इससे कुछ सुधार की तरफ है? अभी तक के जो मामले जो हैं यहाँ पर, उसमें निश्चित रूप से पक्षकारों का बड़ा रुझान इसमें आ रहा है और वे अपने मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए इंटरेस्टेड प्रतीत होते हैं और साथ में वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका मामला जो है आपसी सहमति के आधार पर निपट जाए, ताकि हमेशा के लिए उनके विवाद को खत्म हो जाए और वे सुख शांति से अपने घर पर रहें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।